बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई एम योर होस्ट नाजिया अशरफ। वेलकम टू माय चैनल नाजोस किचन। रमज़ान ट्रांसमिशन में आज हम जो रेसिपी लेकर आ रहे हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। और जनाब आज हम लाने जा रहे हैं चिकन बारबेक्यू चीज़ बॉल्स, बिल्कुल। और मेन इंग्रेडिएंट्स में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमारे यहाँ पे चाहिए चिकन, जो हमारे पास 1 किलो चिकन है बोनलेस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर 1 बार मुज़रेला चीज़ का है और 1 बार हमारे पास चैटर चीज़ का है, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए ब्रेड के 2 स्लाइसेस और हमें यहाँ पे चाहिए 3 आलू जो कि हम बॉयल करने के लिए रख चुके हैं। बॉयल करते हुए हमने इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया है। स्पाइसेस में हमें यहाँ पर चाहिए सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून, चिली सॉस हमें यहाँ पे चाहिए 2 टेबल स्पून, और हमारे पास यहाँ पर जो है वो वाइट पेपर है 2 टीस्पून, हम जो है वाइट पेपर यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पेपरिका पाउडर है 2 टीस्पून, हम ये यूज़ करेंगे। काली मिर्च पिसी हुई हमें 2 टीस्पून चाहिए, और हमें यहाँ पर चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और नमक हसबे ज़रूरत। चिकन के अंदर हम सबसे पहले जो है वो अपना सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने 1.5 यहाँ पर जो है स्पून सॉल्ट लिया है, ठीक है। इसके अलावा हम यूज कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, इसको अब हम ढक देंगे। चिकन हमारी जो है वो इसके अंदर जो है गल जाएगी आराम से। जब तक हमारे चिकन और आलू बॉईल हो रहे हैं यानी गल रहे पक रहे हैं, हम ब्रेड को जो है चॉप कर लेते हैं, ठीक है। हमारी चिकन जो है वो बॉईल हो चुकी है, इसकी यखनी का पानी हमने थोड़ा छोड़ दिया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हमें थोड़ा सा यखनी का पानी इसका छोड़ देना है। इसका हम ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर इसको हम चॉप कर लेंगे। आलू भी हमारे बॉईल हो गए हैं, इसका हम ठंडा होकर इसको भी हम पील ऑफ करके अच्छे से इसको भी हम मैश कर लेंगे। हमारे सारे जो हैं बैटर रेडी हो गए हैं, चिकन हमारी चॉप हो गई है, आलू हमने मैश कर लिए हैं, ब्रेड हमारी जो है ये भी चॉप हो गई यानी हमने इसको चॉप कर लिया है। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमारी जो थोड़ी सी यखनी है इसके अंदर जो है हम सब चीज़ें अपनी ऐड करेंगे, ठीक है। पोटैटो अपने लिया हमने, इसको हम पहले थोड़ा सा मैश मिक्स कर लेंगे। नेशनल के सॉसेस लिए हैं, आप कोई भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं, शिंगरीला भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, हम यहाँ पे कौन और यूज़ कर रहे हैं। वाइट पेपर यूज़ करेंगे, ठीक है, वाइट पेपर हमने लिया। पेपरिका पाउडर हम यूज़ करेंगे, हमने यहाँ पे 2 स्पून लिए हैं। क्वान्टिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे स्पाइसिस की हमने 2 टीस्पून रखनी है क्वान्टिटी, एक्सेप्ट चिली सॉस और सोया सॉस के। कुटी हुई लाल मिर्च हमने ली है 1 टेबल स्पून। हम जो है अपने ब्रेड ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको जो है वो स्मोक कर देंगे, कोयले का हम इसको जो है वो दम देंगे हम अपने पैटर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं इसके ऊपर कुछ डाल दें ताकि ये भी जो है ना वो ना। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे स्टीम के अंदर ही। देखिए हमारा स्मोक हो गया अच्छे से हमारा पैटर। अब हम इसके अंदर जो है फाइनल टच की तरफ जाएंगे, इसके अंदर अब हम चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे मुज़रेला और चैटर दोनों चीज़ें ली हैं हाथ से, यानी कि हमने पहले से बाहर निकल के चीज़ को रख दिया था तो ये बिल्कुल जो है मेल्ट हो गई है, इजीली हाथ से जो है ये हो जाएगी। लेकिन जिस तरह चिकन हमारी जो है होती है इसी तरह देखें हमारी चीज़ भी हो रही है स्प्रेड, चीज़ हो गई है। अब हाथों की मदद से अब इस अपने पूरे पैटर को हम जो है मिक्स कर लेंगे चीज़ के साथ, और इसकी खुशबू बहुत ही जो है ज़बरदस्त आ रही है। हम इसको बॉल्स की शेप देंगे, अगर आप चाहें तो आप कबाब की शेप भी इसको दे सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं होता
कि आप कोई भी शेप दे दें, चाहे तो आप इसको ऑल शेप दे दें, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको जो है कौन सी शेप देना चाहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसको बॉल्स की शेप देंगे। अब हम इसकी जो है वो बॉल्स बना लेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी बॉल्स हम इसकी नहीं बनाएंगे, हम इसकी और बहुत छोटी भी नहीं, लेकिन साइज़ आप चेक कर लें। फॉर फ्राइंग हमें यहाँ पे चाहिए एग, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एग लिया है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अच्छा, एग के अंदर हम सिर्फ जो है पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। बॉल को हम डिप करेंगे एग के अंदर अपने, बिस्मिल्लाह, ब्रेड क्रम के अंदर अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। अब हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा जो है वो हो चुका है गरम। करीब से लुक दिखाओ बेटा। इसको 5 to 6 सेकंड्स के लिए हम छोड़ देंगे, टर्न नहीं करेंगे। जब ये थोड़ा सा लाइटिश ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको टर्न करेंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना गोल्डनिश और कितना प्यारा आया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ आकर आपसे मिलूंगी। टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you.